नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय यादव है। वीडियो में हम लोग आज नो प्रिंट कार्टेज प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे। कार्टेज प्रॉब्लम फिक्स करने के लिए सबसे पहले प्रिंटर को खोलेंगे। पेचकस की मदद से हम लोग अपने प्रिंटर के बैक कवर को खोलेंगे। बैक कवर खोलने से पहले दोस्तों हम लोग अपने प्रिंटर के साइड कवर को खोलेंगे। प्रिंटर खुलने के बाद में दोस्तों फिर हम लोग अपने टोनर सेंसर को चेक करेंगे। वीडियो में दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारे जो प्रिंटर का सेंसर है वह टूट चुका है। तो दोस्तों सेंसर को टूटने के बाद में दोस्तों इसको हम लोग यहां पर रिप्लेस कर देंगे। इस टोनर सेंसर को दोस्तों आप लोग आसानी से मार्केट से परचेस कर सकते हैं। मेरे पास में नया टोनर सेंसर है, तो इसको हम लोग अपने प्रिंटर के अंदर लगाएंगे। सेंसर को दोस्तों हम लोग अपने प्रिंटर के अंदर इसे सावधानी पूर्वक लगाएंगे। सेंसर को अच्छे से प्रिंटर के अंदर फिक्स कर देंगे। हाथ से करना दो तीन बार। बस 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 ठीक। सेंसर को लगाने के बाद में दोस्तों फिर हम लोग अपने प्रिंटर की कार्टेज को अपने प्रिंटर के अंदर लगाएंगे और फिर दोस्तों आप लोग देखेंगे कि आपका नो प्रिंट कार्टेज एरर फिक्स हो जाएगा। एक्सट्रीम सर्विस पॉइंट को दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। यह दोस्तों हमारा सेकंड चैनल है।